दोस्तों, न्यूज मेकर में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं सोनम अग्रवाल से, जिन्होंने वर्ष 2007 की 10वीं बोर्ड परीक्षा में 90% अंक पाकर डीएवी स्कूल में टॉप किया है। आइए हम उनसे जानें कि सफलता पाने के लिए उन्होंने क्या रणनीति अपनाई। सोनम जी, बालको समाचार की इस बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आपको आपकी उपलब्धि के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे दर्शकों को बताइए कि सफलता पाने के लिए आपने किस तरह पढ़ाई की। मैंने इस उपलब्धि को पाने के लिए पूरे वर्ष भर में अपने सब विषयों का टाइम टेबल बना के रोज़ाना 4 से 5 घंटे अध्ययन करती थी, जिसकी वजह से मुझे उपलब्धि हासिल हुई है। आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देती हैं? मैं अपनी सफलता का प्रेरणा स्रोत अपने माता पिता, अपने गुरुजनों को देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरे उपलब्धि हुई है। विद्यालय में भी गुरुजनों ने मुझे बहुत सहयोग किया है, मेरी हर प्रॉब्लम ने मुझे मदद की है, इसलिए मैं अपना श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को देना चाहती हूँ। आपकी रुचियां क्या हैं? मेरी हॉबीज खेल कूद में, मुझे खेलना बहुत पसंद है। खेल में मुझे बैडमिंटन, कबड्डी, खो खो, चेस, ये सब खेल पसंद है। इसके अलावा मेरी पेंटिंग, कुकिंग, ये सब में भी बहुत रुचि है। इसके लिए मुझे बहुत से इनाम भी मिल चुके हैं। डांसिंग, मेहंदी, ये सब में मेरी गहरी रुचि है, जिसमें बालको प्रबंधन एवं स्कूल ने मुझे सम्मानित भी किया है, और इसमें मेरी गहरी रुचि है, जिसके लिए मैं समय में ये सब डिजाइन्स बनाती रहती हूँ। इसके अलावा मुझे घर सजाने का भी बहुत शौक है। मैंने झूला, ट्री और सेंटा क्लॉज, ये सब बना के अपने घर की सजाई भी है। इस सब चीज़ में मुझे गहरी रुचि है। आप क्या बनना चाहती हैं? मैं भविष्य में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हूँ। मैं ऐसा काम करना चाहती हूँ जिससे पूरे बालकों का ही नहीं, वरन पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन हो, और मैं ऐसा बन के अपने माता पिता और अपने विद्यालय का नाम रोशन करना चाहती हूँ। सोनम की उपलब्धियों के संबंध में हमने उनके माता पिता और अन्य परिवारजनों से भी बातचीत की। सुनिए उनके विचार। बिटिया की उपलब्धि से मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है, और इसने जो हमने सपना देखा था उसने साकार किया है, और हम चाहते हैं कि सब लड़कियां आगे बढ़ें, और जो भी समाज में सोचते हैं कि लड़कियां कुछ कर नहीं सकती, वो करके दिखाई है इसने, और आगे हम चाहते हैं कि सब कोई ऐसा करें। मैं अपनी बेटी की उपलब्धि से बहुत ही अधिक मुझे खुशी हुई है। मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि मेरी बेटी बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हुई है। आजकल जो समाज में लड़कियों को सोचते हैं कि आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए, हमारे घर में वैसा नहीं है। हम अपने बेटी को भी बेटों से बढ़कर मानते हैं, और उसे भी उतनी ही छूट दे रखे हैं जितनी बेटों को दे रखे हैं। मैं अपनी बहन की इस उपलब्धि पर बहुत ही गौरवान्वित हूँ। मुझे पूरी आशा थी कि मेरी बहन जरूर कुछ न कुछ अच्छा करके दिखाएगी, और उसने ऐसा कुछ किया भी, जिससे न कि अपने परिवार का, न स्कूल का, पूरे बालको नगर का नाम गौरव से गौरवान्वित किया।